के पार्षद श्री सुनील जीवन मास्टर विद्यार्थियों में सुप्त बुद्ध को विकसित करने के लिए इस तरह स्नेह सम्मेलन करके उनकी प्रतिभा को बढ़ाया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों? मदन गोपाल स्कूल द्वारा बच्चों के लिए स्नेह मिलन का जो कार्यक्रम रखा गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और बच्चों के अंदर जो कला है उसको उजागर करने के लिए उन्होंने जो बच्चों का जो जिन्होंने मॉडल तैयार किया है उनको डिस्प्ले में रखा गया है, उसका इनॉग्रेशन हमारे डॉक्टर साहब लखाने जी ने की है। हमारे गानर साहब उपस्थित थे और अनिल जी अग्रवाल और सभी उपस्थित प्राध्यापक और टीचर्स लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि बच्चों के अंदर जो जज्बा है, जो कुछ काम करने की कला करना कला है, उनको निखारने के लिए उन्होंने डिस्प्ले करने के लिए एक मौका दिया है। वो बच्चे आगे भी आगे प्रगति करेंगे, मेरी ओर से उनको शुभकामना है। स्कूल ने मुझे यहाँ पे निमंत्रित किया, मैं स्कूल के भी टीचर्स का उनके निरीक्षक लोगों का मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। मैं स्नेह मिलन के माध्यम से बच्चों को भी एक मनोबल बढ़ने के लिए उन्होंने कार्यक्रम रखा, सभी का शुभकामना दूंगा अपनी ओर से। बच्चों को टैलेंट को एक मंच देने के लिए आपके ओर से क्या आगे कदम उठाना चाहूँगा? अभी महानगर पालिका भी चाहती है कि बच्चों का जो अभी हिंदी माध्यम का जो स्कूल है उसका स्तर बढ़ाने के लिए मैं भी प्रयास करूंगा कि मेरे प्रभाग के अंतर्गत है तो मदन गोपाल स्कूल में जो भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो समस्या रहेंगी मेरे महानगर पालिका के माध्यम से जो सहयोग होना मैं अपना सहयोग करने का प्रयास करूँ। सर एक तरह सवाल है, जैसा यहाँ पे रंगमंच हुआ करता था, अभी मैं महानगर पालिका के स्पोर्ट्स समिति में हूँ तो बच्चों के टैलेंट के लिए महानगर पालिका ने काफी कुछ कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, हम लोग भी उसमें इनिशिएटिव लेते हैं और कार्यक्रम आयोजन करते हैं और बच्चों को भी प्रोत्साहन करने के लिए हम लोग स्कूल के भी बच्चों का कार्यक्रम लेते हैं, हर स्कूल के बच्चों को हम लोग निमंत्रित करते हैं, स्टेडियम में भी कार्यक्रम लेते हैं, नागपुर महानगर पालिका के अलग अनेक मैदानों में हम लोग बच्चों को हौसला अफजाई के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। मदन गोपाल अग्रवाल हायस्कूलच्या स्नेह संमेलनाप्रसंगी कला प्रदर्शनी आणि विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित केली आहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम सुद्धा आयोजित केलेला आहे। विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळावा, त्यांना विकास त्यांचा विकास व्हावा सुप्त गुणांचा, याबाबत हे कार्यक्रम आयोजित केले। मी या संस्थेचे शाळेचे धन्यवाद जाहीर करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो आणि असे कार्यक्रम नियमितपणे आयोजित करणं हेच खरं शिक्षणाचा उद्देश पूर्ण करण्याची पद्धत आहे, कार्यवाही आहे। शासनातर्फे आजकाल कला भाषा विषयाला आणि पीटीआय संगीत शिक्षणाला वाव मिळत नाही, शासनाने याचा पुनर्विचार करावा अशी शिक्षक प्रतिनिधी या नात्याने मी मागणी करतो। शासनाकडून सॉफ्ट स्किल डेव्हलपमेंट आणि डिजिटल शाळेच्या उन्नतीसाठी पुष्कळ असे मार्ग पत्करलेले आहेत, यात आपण पुढे काय ऍड करू इच्छितो? शासनाने जे मार्ग पत्करले ते फक्त भाषणात आहे, प्रत्यक्षात आले नाही, डिजिटल शाळा झालेल्या नाही। काही ठराविक शाळा डिजिटल करणं म्हणजे शिक्षणातल्या सर्व शाळा डिजिटल झालं हे म्हणण्याला अर्थ नाही। कौशल्य विकास ज्या दृष्टीने ज्या स्थितीत व्हायला पाहिजे, मानवी चेहऱ्याचा विकास ज्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे त्या पद्धतीने धोरण राबवल्या जात नाही आहे, ते राबवावं अशी आमची। ये मदन गोपाल अग्रवाल कॉन्वेंट स्कूल और मदन गोपाल अग्रवाल हाई स्कूल का जो उसमें सम्मेलन है, जो गैदरिंग है एनुअल, ये इसमें जो साइंस और आर्ट्स का एग्जीबिशन लगाया गया है ये बहुत ही अच्छा है। विद्यार्थियों का टैलेंट यहाँ दिखाई दे रहा है और आगे चल के ये विद्यार्थी जो है काफ़ी अच्छा काम करेंगे, इसमें कोई हमें शक नहीं है। हम चाहेंगे कि सरकार इस तरह की स्कूलों को और ज़्यादा फंड दे, अच्छी फैकल्टी आए, अच्छी फैसिलिटी मिले ताकि इनको अच्छा एजुकेशन मिले और ये आगे और आर्ट्स और साइंस में नाम कमा सके। आयोजन किया जाता है इसमें विद्यार्थियों के प्रतिभा को बढ़ाने के लिए किस तरह का उपक्रम हर वर्ष प्रत्येक वर्ष किया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस यहाँ की जो गैदरिंग होती है उसकी एक विशेषता ये है कि हर साल एक थीम लेकर के कार्यक्रम होता है और वो थीम सामाजिक थीम रहते हैं जिनका कि बच्चों को और पालकों को बड़ा फायदा होता है।
इस वर्ष की जो प्रदर्शनी है उसमें बहुत नयापन है, खास करके जो आर्ट प्रदर्शनी है। ये कला प्रदर्शनी में एक एक चीज की कितनी डिफरेंट वैरायटीज जो हैं उस वैरायटी को बताया गया है, जैसे जैसे राखी है, छाता है, ये बहुत वैरायटी बताई गई है। ये नयापन है और ऐसा ये स्कूल नया थीम लेकर के, नई चीज लेकर के हर साल करे, ऐसी अपेक्षा है। Of the animal.